हुई ना बात। कुछ सीखो इबादत, सीखो नानी अम्मी से। हालत खुश लेकिन दिमाग अभी भी रॉकेट से तेज चलता है इनका। वैसे नानी अम्मी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा हमदर्दी मुझसे होनी चाहिए? आपको नहीं लगता आप पे ज्यादा हक मेरा है? मेरी दुआओं और महीनों की इबादत का नतीजा, और इसीलिए इसका नाम भी इबादत होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाहती है तू? समझदार को तो इशारा काफी होता है नानी अम्मी। मुझे तो लगा था आप समझदार हैं। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूं। जो कहना है साफ साफ कहो ना मन्नत। ऐसी क्या खासियत है तुम में कि गलत होने के बावजूद भी नानी अम्मी को तुम्हारा साथ देना चाहिए? अब तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर बताऊंगी कि नानी अम्मी को मेरा साथ क्यों देना चाहिए। नानी अम्मी को मेरा साथ इसीलिए देना चाहिए क्योंकि नानी अम्मी हमेशा से तुम्हारी तरफदारी करती आई। जब घर के सब लोग तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे तो नानी अम्मी तुम पे मोहब्बत लुटाती थी। अब सब मुझसे नफरत करते हैं तो नानी अम्मी को मुझ पे प्यार लुटाना चाहिए ना, है ना? पर ना हिसाब बराबर कैसे होगा, है ना नानी अम्मी? मगर ये कोई कुश्ती का मुकाबला तो है नहीं कि मैं किसी का साथ देती बैठूं। जो सही है मैं उसी का साथ देती हूं। तूने पहले भी एक गलती की थी मन्नत, और उसके बाद तूने गलतियों का अंबार लगा दिया, और अब तू चाहती है कि मैं तुझ पर प्यार लूटाऊं। संभल जा वरना वरना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये धमकियां देना बंद कर दीजिए नानी अम्मी, और जरा सा खुद को संभालिए। ये इबादत की पैरवी करना, मेरी बेइज्जती करना, कहीं आपके लिए ज्यादा महंगा ना पड़ जाए। अरे भाई आप एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि तालाब में गंदी मछली कौन है। अपनी जबान को लगा दो मन्नत। किस लहजे में बात कर रही हो तुम नानी अम्मी से? हाँ बड़ों का लिहाज है कि नहीं? लिहाज मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी हूँ ना इबादत, या लिहाज शर्म इज्जत हया ब्ला 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 ये सब कोई मायने नहीं रखता।
और आप दोनों एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मन्नत सिर्फ उनकी है जो मन्नत की है, और मुझे बदनाम करने की कोशिश करके आप दोनों इस लिस्ट से आउट हो चुके हैं। अब अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।